नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं उनके बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊं शायद शब्द ही कम पड़ जाएंगे, मगर जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पारस HMRI के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ये यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ ये पाम व्यू हॉस्पिटल पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं। और आज हम बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार के साथ जो हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जो कि बहुत सी अन्य बीमारियों का संकेत भी हो सकता है तो और बहुत से ज़्यादा बीमारियों को और कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि UTI आखिर क्या बीमारी है। देखो, UTI का मतलब हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कोई भी संक्रमण बैक्टीरिया के द्वारा हो, फंगस के द्वारा हो, वायरस के द्वारा हो, किसी भी संक्रमण करने वाले जीवाणु के द्वारा यदि यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है तो उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है भाई? तो यूरिनरी ट्रैक्ट किडनी से शुरू होता है, दो गुर्दे होते हैं मनुष्य में और दोनों गुर्दे से फिर एक ट्यूब आता है जो कि पेशाब की थैली में आता है। गुर्दे में पेशाब बनता है और फिर जो है पेशाब की थैली में आता है और पेशाब की थैली से मूत्र नली से बाहर निकलता है। महिलाओं की मूत्र नली छोटी होती है, पुरुषों की मूत्र नली बड़ी होती है, उसमें कई भाग होते हैं। फ़र्क दोनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बाद में मैं समझाऊंगा। ये छोटी नली औरतों की और मर्दों की बड़ी नली, और जिसमें पेशाब के थैली के ठीक नीचे एक कसैली से छोटा आकार की ग्रंथि होती है, उसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो ये जानने की ज़रूरत है, मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, औरतों में छोटी नली होती है जिससे पेशाब निकल जाता है। लेकिन मर्दों में एक और चीज़ है, मूत्र प्रणाली सिर्फ नहीं मर्दों में, मूत्र जनन प्रणाली, टेस्टिस जो दो होते हैं उनके भी इन्फेक्शन जो हैं वो जुड़े रहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से। तो दो टेस्टिस होते हैं तो वो उनका भी संक्रमण यदि होता है तो उससे भी ये जुड़ा रहता है औरतों में, और पेल्विक कंडीशन में जो होता है और जुड़ा रहता है। इसलिए इसको मूत्र सिर्फ नहीं, मूत्र जनन प्रणाली का संक्रमण इसको कहते हैं। और तुम्हारा क्या प्रश्न था उसके बाद कि ये क्या होता है? तो ये तो बता दिया मैंने क्या होता है, संक्रमण होता है। अब संक्रमण जो होता है, पहले पुरुषों में बताता हूँ फिर स्त्रियों में बताता हूँ, क्योंकि दोनों में अलग अलग होता है। अब पुरुषों में यदि छोटा बच्चा है और माने पैदाइशी बच्चा है और उसको संक्रमण होने लगे तो उसका कारण है शायद, पहला कारण ये है कि हो सकता है कि पेशाब के रास्ते में, पेशाब के थैली से निकलते हुए मूत्र नली में कहीं ना कहीं पर मर्द बच्चा है तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हम लोग कहते हैं, माने जो जन्मजात मांस बढ़ जाता है पेशाब की थैली को रोके रहता है, पेशाब को रोके रहता है और चूँकि रुका हुआ पेशाब रहता है इसलिए उसमें संक्रमण होने की संभावना बहुत होती है। ये सबसे कॉमन कारण है। दूसरा कारण है बच्चों में, जिस पर आज की माताएं ध्यान नहीं देती हैं, पहले देती थी, जब मर्द बच्चा मतलब जो बच्चा मेल चाइल्ड है तो पैदा होता था तो बचपन में तेल मालिश होता था, और तेल मालिश कौन करता था? नानी और दादी करती थी जहाँ भी रहे। और तेल मालिश करने के बाद अंत में उसका जो पेनिस होता है उसके सामने का चमड़ा जो है हटा के सफाई करती थी कड़ुआ तेल या नारियल तेल से रोज, और उससे होता था कि चमड़ा खुला रहता था। आजकल दो कारण हो गए, एक तो यूनिटरी फैमिली हो गई तो मियाँ बीवी साथे रहता है, वो लड़कियाँ को पते नहीं है कि भी करना है। दूसरा प्रॉब्लम है दादी नानी अब रहती नहीं है, उसके चलते बच्चों को मैक्सिमम मैंने देखा है जब स्कूल हेल्थ चेकअप करने जाते हैं मैक्सिमम बच्चों को चमड़ा सटा रहता है
पेशाब के रास्ते के चारों ओर, और चमड़ा यदि सटा रहता है तो उसमें गंदगी बहुत आती है, उजला उजला हम लोग स्मेगमा कहते हैं, और वहाँ पर यूरिनरी माने संक्रमण का बहुत चांस रहता है। और चूँकि पेशाब की थैली के पेशाब के मुंह के सामने चमड़ा रोके रहता है तो ठीक से पेशाब भी नहीं निकलता है, तो उससे संक्रमण होने का ये रहता है। तो जान के मैंने दो ऐसी बातें बताई हैं संक्रमण के कारण, वैसे तो पूरा टेक्स्ट बुक है, जो कि सबको जानने की ज़रूरत है, माओं को जानने की ज़रूरत है, जो बच्चे हैं पिता हैं वो जानने की ज़रूरत है कि बच्चे का चमड़ा हमेशा तेल उल, आजकल तो जॉनसन बेबी तो ऑयल लगाती है सब, तो जॉनसन बेबी ऑयल जब लगावे तो उसके मूत्र के इसके शिश्न के जिसको पेनिस कहते हैं उसके अग्रभाग से चमड़ा हटा दे, और हटा करके उसके रोज़ सफाई करे नहाने के पहले, ये बच्चे में हो गया। अब आओ तुम बड़े होने पर, अब अच्छा लड़कियां जो होती हैं ना बचपन में उनको भी यदि इन्फेक्ट, क्योंकि उनकी मूत्रनली छोटी होती है और वो एरिया जो है थोड़ा सा बहुत साफ एरिया नहीं है, क्योंकि पीछे पखाना का रास्ता होता है, तो इमेजिन करो पखाना का रास्ता ठीक नीचे है और सामने उसकी बेचारे की मूत्र नली खुलती है, अब वो ठीक से यदि पंछुआ नहीं करती है वो पैखाना करने के बाद, आइए ये बच्ची हो या एडल्ट हो या किसी में हो, सब में ही प्रॉब्लम है। पंछुआ पीछे से आगे यदि महिलाएं करती हैं तो पैखाना जो है पीछे का निकला हुआ वो बार बार वहाँ पर आ जाता है, मूत्र जहाँ छिद्र है उसके सामने, वेजाइना के सामने आ जाता है, एडल्ट में भी होता है, और उसके चलते इन्फेक्शन फैल जाता है। इन्फेक्शन बहुत आसान है, अब वो मल द्वार का गंदगी वहाँ पर आ गई और छोटा सा मूत्र नली है तो धड़ाक से जो है घुस जाता है वो पेशाब की थैली में, और फिर बाद में ऊपर भी संक्रमण कर सकता है किडनी वगैरह में। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है औरतों को बचपन से कि जब भी वो पानी छुएं पैखाना जाने के बाद तो आगे से पीछे की ओर छुएं, पीछे से आगे नहीं, क्योंकि पीछे का मल द्वार की गंदगी सामने आ जाती है। ये बच्चे में भी है, बड़े में भी है और बुढ़ापे में भी है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने बताई। तो लड़कियों में और सब कुछ है, उतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब आओ अगला सवाल सर हमारा ये है कि जैसे अडल्ट्स में भी बच्चों में भी जब इसके यूटीआई हो जाता है तो यूटीआई के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे इसकी पहचान की जा सकती है, और जो लोग हैं ये समझ कैसे सकते हैं कि उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है? थोड़ा सा बता दें, नवयुवकों में नवयुवतियों में जो पेशाब की दिक्कत होती है तब हम बताएंगे तुमको कि नवयुवकों में ज़्यादातर पेशाब की दिक्कत जो जल संक्रमण होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। जब हमने बताया ना कि छोटा सा ग्लैंड होता है वो स्पॉन्जी ग्लैंड होता है जी। तो उन लोगों में वो वहाँ पर संक्रमण बहुत होता है, तो इसलिए उसका लक्षण अलग है जी। औरतों में जो है जैसा बताया कि उस एरिया में गंदगी हो, ये हो और सब कई कारण है जिसके चलते बहुत जल्दी संक्रमण घुस जाता है अंदर जी। और जो लड़के लेडीज़ जो हैं शादीशुदा हों या सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ हों उनमें गंदगी वगैरह होने की वजह से घुस जाता है। और एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट, कपड़ा जो औरत सब लेती है मेंस्ट्रुएशन के समय में जी। जिसके चलते इतना अभियान हो रहा है कि साहब सैनिटरी नैपकिन लगाइए, वो कपड़ा लेना जो इस देश में प्रचलित है वो सबसे खतरनाक चीज़ है यूरिनरी, क्योंकि कपड़ा कोई भी ले लिया मेंस्ट्रुएशन के समय में गंदा है, इन्फेक्शन तुरंत चला जाता है अंदर, वो अंदर वजाइना में जाएगा, वहाँ से पेशाब की थैली में चला जाएगा, तो ये चला जाता है। फिर बुढ़ापे में जो होता है वो चूँकि हार्मोन की कमी हो जाती है बूढ़ी औरतों में, उसके वजह से वो एरिया एकदम सूख जाता है, वहाँ जो प्रोटेक्शन वेजाइनल वाल और पेशाब के नली के सामने वाला जो मूत्र छिद्र है उसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसके जिसमें स्राव कुछ निकलता है जो कि बैक्टीरिया को रोकने में सहायक है,
वो होता ही नहीं हार्मोन, हार्मोन की कमी से एकदम ड्राई हो जाता है, पार्ज होता है, इसलिए बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है। और मर्दों में भी फिर बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड की अन्य बीमारियों के वजह से बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, थैली में भी और इसमें भी। अब आगे बोलो। जब किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो शरीर को और किन अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है? क्या यूटीआई के इन्फेक्शन से शरीर के बाकी किसी हिस्से में भी समस्याएं बढ़ सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, वही मैं कहने जा रहा था, अच्छा पूछ दिया। बच्चों में यदि हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, यदि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है छोटे बच्चों में तो वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रिलीज किया गया, चाहे जवान में भी यदि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, बूढ़े में भी यदि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है इन्फेक्शन, तो थैली में इन्फेक्शन जाएगा। थैली जो है पूरा पेशाब निकाल नहीं पाएगी, उसमें तालाब का पानी जिसे गंदा रहता है, झरना का पानी एकदम साफ रहता है क्योंकि हमेशा बहता रहता है, तो झरना का पानी के बदले वो तालाब का पानी हो जाता है थैली में। अब वो इन्फेक्शन बढ़ के दोनों किडनी में चला जाता है और किडनी को जो है सो इन्फेक्ट करता है, और किडनी को इन्फेक्ट करेगा तो फिर वो जो इन्फेक्शन है वो खून में चला जाता है, हम लोग जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक प्रमुख कारण है खून में इन्फेक्शन होने का, जिसको हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं, और ये जानमारक होता है और सारे अन्य ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देता है। उस पर हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन एक और मुख्य बात तुमको, अच्छा स्टोन किसी को है उसके चलते पेशाब पूरा नहीं निकल रहा है, चाहे एक नली से या दूसरे किडनी से, तो वो जो यदि इन्फेक्शन हो गया तो निकल नहीं रहा है, उसमें इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो किडनी ख़राब हो जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको लोग समझते नहीं। गर्भवती महिलाओं के बच्चा जब बढ़ता है पेट के अंदर या यूट्रस के अंदर, तो वो किडनी से जो ट्यूब जाता है नीचे पेशाब के थैली में, उस पर दबाव डालता है, इसलिए खूब बढ़िया से पेशाब नहीं निकलता है। यदि उनमें इन्फेक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट, एगो तो मूत्र नली छोटी, जल्दी से इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन यदि हो गया और किडनी की तरफ चला गया तो किडनी को बर्बाद कर देता है, और दोनों किडनी को बर्बाद करेगा क्योंकि दोनों तरफ दबाव होता है। और वो इसी स्थिति में माने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जान मारक है लॉन्ग टर्म में गर्भवती महिलाओं के लिए, यदि इसका उचित इलाज नहीं हुआ। हम लोग हमेशा कहते हैं गर्भवती महिलाओं में जैसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाए, जब भी हुआ मान लीजिए 3 महीना की प्रेगनेंसी है, 6 महीना तक उसको सर्विलियंस में रखिए, बीच बीच में यूरिन का जांच कराते रहिए, इन्फेक्शन नहीं हो, कुछ नहीं हो। यदि इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी साइलेंट रहता है ये, और साइलेंटली किडनी को ख़राब कर देता है। अब बाद में 3-4 बरस के बाद मालूम हो जाता है तो किडनी फेलियर में आ गई, अब तो इसको डायलिसिस होना है, इसको ट्रांसप्लांट होना है। ये बड़ा चुपका हुआ बीमारी है, इसलिए इसके बारे में लोगों को आगाह करना ज़रूरी है। अगर किसी को यूटीआई बार बार हो रहा है ठीक होने के बावजूद, तो क्या यह किसी अन्य बीमारी का भी संकेत हो सकता है? क्या बार बार यूटीआई होना किसी और बड़ी बीमारी का इशारा है? अब ये इसका दो पक्ष है, एक तो मैंने बहुत कुछ पहले ही बता दिया कि ऑब्स्ट्रक्शन यदि रहेगा, चाहे इन्फेक्टेड स्टोन कहीं रहेगा, तो वो बार बार यूटीआई करेगा ही करेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं जैसे किडनी की बनावट में, गुर्दे की बनावट में यदि गड़बड़ी है, जन्मजात गड़बड़ी है, उसमें जन्मजात रुकावट है, और उसमें एक बार इन्फेक्शन हो गया तो जल्दी निकलवे नहीं करेगा, कभी कभी तो उसमें पस उस करके वो किडनी को ख़राब कर देता है। तो ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, स्टोन हुआ, कोई फॉरेन बॉडी अंदर हो गया, उसके चलते कभी कभी होता है कि किडनी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बच्चों में भी होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, और ये जन्मजात बीमारी है कि एक ऐसी बीमारी है कि बच्चा पेशाब करेगा ना, तो एक तो है किडनी से पेशाब के थैली में पेशाब आएगा और बाहर जाएगा, पेशाब के थैली में जो पेशाब आता है वो वहाँ एक वाल्व होता है,
कि बैक प्रेशर में नहीं जाएगा, वो जब भी करेगा तो बाहर जाएगा, वो वाल्व खराब हो जाता है बच्चों में जन्मजात खराब, और अन्य लोग एडल्ट में कई और अन्य कारण होते, और वो बाहर पेशाब जितना करेगा उतने पेशाब चला जाएगा किडनी में, तो इन्फेक्शन ख़त्म कैसे होगा? कितना दवाई दीजिएगा, वो इन्फेक्टेड ब्लैडर का यूरिन दोनों किडनी में जाएगा, बार बार इन्फेक्शन करता रहेगा, किडनी को बर्बाद कर देगा, और बाद में डायलिसिस और ये और उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडी, रिफ्लक्स, ये सब कारण है, मेन कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, और इसी कारण से जाता नहीं। महिलाओं में तो बार बार वही हैबिट्स जो होती हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेशाब कर लेना चाहिए, बहुत महिलाएं नहीं करती हैं। उसके अलावा चूँकि वेजाइना भी बहुत गंदा रहता है, और वहाँ उसी के साथ पेशाब की नली है, बड़ी आसानी से एक बार आप इलाज कर दीजिए, फिर वो ध्यान नहीं देगी महिला, वहाँ का लोकल हाइजीन का ध्यान नहीं देगी, वही गंदा कपड़ा, वही गंदी ये वहाँ की गंदगी, बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार होगा, और जब बार बार इन्फेक्शन से पेशाब की नली भी रुखड़ी हो जाती है, तो आप दवाई दे रहे हैं ख़त्म हो गया, लेकिन सब इन्फेक्शन वहाँ जा जा के वहाँ बैठ जाता है बीच बीच में, जैसे टूटी हुई नाली में जगह जगह काई नहीं जम जाता उस तरह से। तो जब उसको समय मिलता है थोड़ा सा आपका शरीर के में ये हुआ, इन्फेक्शन फिर हो गया, तो ये कारण चलता रहता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि यूटीआई होने के मुख्य कारण क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आएंगी, और जो बात डॉक्टर साहब ने बार बार दोहराई है आप उस पर ध्यान देंगे और अपने इंटीमेट पार्ट्स की हाइजीन पर खास रूप से ध्यान रखेंगे, ताकि यूटीआई का इन्फेक्शन आपको बीमार ना बना दे। ऐसी यानी वीडियोज़ के लिए आप डॉक्टर साहब के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।